गुड़िया गुड्डू या भाई दामाद जी शॉपिंग करके आए भाई, क्या बात है। ससुराल के लिए लेके भी क्या है केले साइड में। आज ही हो है मगर टाइम से ले आज ले आए ना जी ना तुमको भी टेंट के पीछे। क्या मजा ये क्या मजा है मजा मुझे ही बता। तो चावल चावल के भर गए लाए मैं क्या करूंगी इसका। देखो तुम तो कुबाई की प्लेट में क्या क्या है वो अब जाना मार तो रही है। चलो सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक नोची माय चैनल अभिषेक व्लॉग। तो भाई आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि भाई एक शादी अटेंड करने, देन उसके बाद भाभी गई हुई अपने घर पर, भाभी को लेके भी आना है वापस। चल भाभी को वापस भी लेके आना भाई उनके घर से, तो पापा नहीं जाएंगे शायद, मैं अम्मी नासिर भाई और गुड़िया जाएंगे। अभी पोगो को लेकर आया हूँ मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पर, ताकि ये सुसु पोटी कर ले। और ये इसके हैं दोस्त गली के, इसका नाम है लाली और ये है ब्लैकी। भाई अभी खाली ग्राउंड में लेकर आया हूँ मैं इसको, ताकि भाई थोड़ा फ्रेश व्रेश हो ले, पेट वेट साफ कर ले अपना, उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊँगा, देन उसके बाद हम निकल जाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी बदमाशों का गढ़। भाई ये वाला गली का कुत्ता ब्लैकी और हमारा पोगो, ये दोनों दोस्त है। इन दोनों को ना मैं मिलने नहीं देता, पता क्यों? क्योंकि ना जब पोगो इनसे मिलता है ना तो इसको ना रैशेज हो गए, देखो बहुत सारे। अभी तो ठीक हो गई है, इसका ट्रीटमेंट चला है 2 महीने से, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे उससे मिलना है। लेकिन बेटा मिलना ठीक है, लेकिन ज़्यादा चिपकना ठीक नहीं है, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। पोगी मैं तुझे बता रहा हूँ साले, फिर तेरा ट्रीटमेंट मेरा कटेगा, ज़्यादा ना रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, समझा? तेरा ट्रीटमेंट कराना पड़ता, मैं इतने ज़्यादा पैसे लगते तेरे ट्रीटमेंट में, एक बच्चे से भी ज़्यादा। तेरे से अच्छा ना मैं शादी करके एक बच्चा हो जाता ना मेरे, उसको रख लेता मैं, कम से कम उसकी केयर टेकिंग तो अच्छे से कर लेता। लेकिन तू तू क्या देख 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 गुस्सा देख आ, 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 कर दिया। तो भाई मैं आ गया हूँ घर पर, और अब हमें कह रही है कि भाई फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि भाई काफ़ी लेट हो जाएंगे, नहीं तो अगर हम 12 बजे निकलेंगे तो शादी कब अटेंड करेंगे और भाभी को कब लेके आएंगे, क्योंकि दोनों जगह पे टाइम देना हमें। मैंने कहा पहले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह दे तो दो, तभी तो मैं रेडी होऊंगा। हेलो भाई, ले देखो भाई अम्मी ने रखा है। भाई तू जल्दी जल्दी भेजे, तेरी वजह से हमेशा लेट होता है। गाड़ी कितनी गंदी करवा रखी, इतना गाड़ी साफ करवा दे। वॉश करवा के आऊंगा, वॉश करवा के आऊंगा, तुम बता। मैंने 11 बजे 10 बजे का कह रखा, 9:30 बजे। अबे अम्मी ने रख दिया पुलाव और मेरा दूध भाई। तेरी वजह से लेट हो रहा है हमेशा, हमेशा तेरे वजह से लेट होते हैं, जहाँ भी जाना हुआ है। मेरी वजह से? और किसकी वजह से? रेडी आप नहीं हुए अभी तक, मुझे लगे कि 10 मिनट रेडी होने में आपको लगा गया 1 घंटा। उठ के नहीं खाते नहीं पीते, टाइम पे पका पका कर धर लूं क्या फायदा है? 1 घंटा आपको 1 घंटा गुड़िया को, मुझे तो 10 मिनट लगे मुश्किल से। गाड़ी तू करवाएगा ना, चलो ठीक है मैं गाड़ी वॉश ही नहीं कराता। मुझे भाई हार्डली 10 मिनट लगती है, 5 मिनट में मैं नहा लेता हूँ और 5 मिनट में रेडी हो जाता हूँ। इनको लगता है 1 घंटा रेडी भी लेट भी मैं ही कराता हूँ। अगर आप लोग इसमें शैम्पू डालोगे ना इंजन में, और उसके बाद पानी भरोगे, जब आप वाइपर यूज करोगे ना, तो जो आपका फ्रंट मिरर है ना, ये वाला मिरर, फ्रंट वाला मिरर, ये इतना बढ़िया तरीके से क्लीन होगा। मैं समझ गई, ये वो है वाइपर का पानी जो मारा उसमें शैम्पू ने। अरे पागल रहने दे मत निकाल इसमें। जब हम इसको यूज करेंगे ना वाइपर को, तो भाई इतने बढ़िया तरीके से ना वाइपर जो है ना काम करेगा, शीशा जो है ना आपका फ्रंट मिरर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तुम ही हो हाँ, दिख गया मुझे जा रहे ना। मेरा बच्चा है तू, तो मेरा जनाई। ये देखो भाई, मेरा बच्चा है तू। देखो इनकी हो रही है लड़ाई आपस में भाई, दोनों जुड़वा है अम्मी और गुड़िया, इन दोनों के बीच में आपस में बैटल हो रहा है। क्यों हो रहा है? रेडी नहीं हुए अभी तक आप, 1 घंटा हो गया आपको। तू देख अपने
मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा, तो 5 मिनट में नहाया, 5 मिनट में रेडी, गाड़ी वाड़ी मैंने सब वॉश कर दिए। अम्मी कह रहे थे भाई गाड़ी धुलवा के ले आना, मैंने कहा धुलवा के लाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि और भी गाड़ी वहां पर होगी। मैंने गाड़ी जो है ना वहाँ पे धुलवाई नहीं क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाता क्योंकि और भी गाड़ी वॉशिंग के लिए आती है ना, तो मैंने घर पे ही थोड़ी थोड़ी वॉश कर ली, बाद में धुलवा लूंगा। अगर मेरे शूट अच्छा लग रहा है, मैं आगे शूट अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, अभी ना अच्छा लग रहा है, भाई ये सूट जो है ना मेरे समझाने में से आया, समझाने में से आया ना, सर की सास ने भेजा था मेरे लिए, ओहो क्या बात है, तो ये सगुन का सूट का मुझे मेकअप करना, तो भाई मैं फटाफट नहा के रेडी हो जाता हूँ, मैं तो भाई मेरे ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ घर में 3 ड्राइवर पापा नासिर, आखिर में मुझे ही पकड़ता, भाई खुद भी चला लो यार, मैं जाऊँ खरगोदा है, कहाँ जाएगा खरगोदा, ये क्या है दादी का लाडला, सही था किसकी रात को ये गाड़ी नहीं है, ये मेरी वैनिटी वैन है, वैनिटी वैन, इसमें मेरा काम धंधा चलता है। तो भाई मैंने रात को मना कर दी थी कि मैं नहीं जाऊंगा यूपी की शादी में क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ, तो मम्मी पापा की बहस हो गई थी इस बारे में, सच्ची बता दो बिल्कुल बीचों बीच बैठ कर जा रहा है। अभी नासिर भाई जा रहे हैं भाई केले की शॉपिंग करने, भाई अम्मी का मूड, अम्मी का मूड खराब हो रहा है आज बहुत बुरा, अगर तू बैग छोड़ जाओगा ना घर पर, अपनी कसम मुझे याद नहीं, मैं नहीं। कसम से भाई बता दे, भाई का ना टाइम आ रहा खराब, अभी ना गाड़ी में उतरेंगे ना तो अगर बैग नहीं मिला गाड़ी में तो भाई बहुत, भाभी का सामान था उसमें मेकअप वेकअप का, और मैं मुझे सच में याद है कि मैंने उसको ना वहाँ पे रखा हुआ है बेड पे, नासिर भाई अपनी ससुराल के लिए केलों की शॉपिंग करते हुए गले सड़ा दिया ना, जान तेरे भाभी को लेना है रास्ते से घर में से, मेरी भाभी को तो लेने जा रहे हो, बार बार मुझे जाते हो भाभी को लेने, मेरी बहू लेने कब जाओगे, कब लेकिन कब, या भाई दामाद जी शॉपिंग करके आए भाई, क्या बात है, ससुराल के लिए लेके भी क्या है केले, भाई हाँ 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 सारे बैग्स तो भाई पहुंच गए, मेरे बाल थोड़े से भाई मैसी हो गए क्योंकि मैं कभी कॉम नहीं करता, मैं ऐसे हाथों से सेट करता हूँ अपने, और लड़कियों को भी ऐसे बाल पसंद आते हैं दिख रहे, तो भाई एज ऑलवेज जगह नहीं मिली, हमें थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा, तो मैंने गाड़ी ग्राउंड में खड़ी कर दी है, तो भाई हमें थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पैदल चलना पड़ेगा, अन्नी खुल रहे हो कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए पैदल चलना पड़ेगा भाई हमें, भाई जी सो गए देखा नासिर भाई ने भाई न्यू रील अपलोड करी है अपनी, क्या बात है, गुड़िया भाई अभी भाभी को रेडी कर रही है अंदर, तब तक मैं खा लेता हूँ काजू, हो गए भाभी रेडी हो गए, तो भाई मैं आ गया हूँ और सारा सामान भी मैंने पैक कर दिया, अभी जा रहे हैं हम शादी अटेंड करने के लिए क्योंकि एक इनविटेशन है और इनविटेशन भी यहीं पास से ही है, कोई विलेज है थल विलेज जाना है शादी अटेंड करने के लिए, लिया बेटा लिया, तो भाई भी निकलते शादी अटेंड करने के लिए, देन उसके बाद बैक टू होम भाभी को लेकर, लिया तू कहाँ से आया, बेटा साइड में आज ही हो है, मगर टाइम से लगा तो आज ही ले आए ना जी, ना तुमको भी आज ही आ जाए जी, ना वो कहाँ सारा पीछा रख दिया होगा।
है ना जितना सामान हुआ था। हाँ भाई, भाई को पकड़ा दे अब की बार भी, सारे सामान इसको दे। अब भी लग रही मुझे। ये देखो वही ट्रेन, मैंने भी बना दी वीडियो, बहुत बहुत बढ़िया भाई। बुढ़े को भाई 20 रुपए लगा दो भाई। मैंने कितनी अच्छी बनाई, तुमसे अच्छी बनाई मैंने, देखो तुमसे अच्छी मैंने बनाई। क्या मम्मी क्या कर रहे हो? फाटक बंद हो रहा भाई, परेशान हो गए हम। एक ट्रेन जा चुकी है और 20-25 मिनट से भाई हम इधर ही फाटक पर खड़े हुए हैं, परेशान हो गए परेशान। हाँ चलेगा नहीं है, हमें परेशान हो गए ना। एक और पैसेंजर भाई। ये देखो जी पहुंच गए विलेज थल में, बड़ी मुश्किल से मुझे इस लड़के ने भाई हमारी गाड़ी लगवाई। थैंक यू सो मच भाई, धन्यवाद। क्या नाम है? सावेज। आपको तो मैंने देख रखा। कहाँ पे देख रखा है? सोनीपत। सोनीपत आया हुआ तू? सोनीपत में? अच्छा मास्टर जी के घर पे। अच्छा जी, ये देखना भाई, ये देखो भाई विलेज की शादी में आए हुए थे ना, तो अब हमने खाना शुरू किया है। और खाना कहाँ पर खा रहे हैं हम? बिल्कुल टेंट के पीछे, क्योंकि अंदर ना ज़्यादा लेट हो गए हम, जिसकी वजह से ना अंदर प्रोग्राम ख़त्म हो गया और इधर उधर सब फैल गया। तो भाई वैसे ना एक बात है बुढ़े, गाँव की शादी में मज़ा बहुत आता है ना टेंट के पीछे। क्या मज़ा जो था खा लो। तो भाई ये पीछे कोई स्कूल है गाँव का भाई, स्कूल के अंदर मतलब टेंट लगाया हुआ। ये देखो देखा तो देखो भाई की प्लेट में क्या क्या है। तो भाई अम्मी जा रही है अभी लड़की को देखने के लिए गांव में। ये है लड़की का घर। मुझे भी जब मेरी शादी होगी मुझे भी देखना आएगी। जब तक अम्मी और गुड़िया लड़की को देखने जा रहे हैं, तब तक मैंने और नासिर भाई ने सोचा कि चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मैं मस्जिद में आ गया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं वज़ू कर लेता हूँ, वज़ू करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगा, देन उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा अपने ब्लॉग को। नमाज़ पढ़नी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर पड़ोसी थे भाई, नेबर, उनका भी घर था भाई, पड़ोसी गाँव से थे। तो भाई हम घर पर आ गए। तो देखो भाई कितना खतरनाक गाँव है। ऐसी बात नहीं है, यार पता नहीं मैंने कितने झटके खा रखे हैं यहाँ पे इस एरिया में। इस गांव से जाना 3 किलोमीटर आगे चल गए नदी है। मेरे ख्याल से मस्जिद बनती होगी, मस्जिद बनती होगी। ये भी मकान है, बहुत तगड़े पिल्लर है, देखना कितने छोटे पिल्लर उन्होंने गए। आराम से देख गुड़िया गुड्डू। मजा रहा ना, स्पीड बढ़ गई स्पीड। आगे आगे मजा आया गुड्डू, गुड्डू मजा आया, मजा आया। स्कर्ट फट गई। कैसे दिखा? सारी चिर गई मेरी यहाँ स्कर्ट, ज्यादा फट गई। देखिए ट्राई किया वो तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। हाँ भाई किचन देखो भाई, क्या बात है बैठ साइड पट्टी पड़ी है। ये देखो भाई गाड़ी के पास इकट्ठे हो गए। वाह भाई हाँ गड्ढे साइड में लगा लिया बैठे रहे मास्टर ने तो मिल का हो गया। ठीक है जल्दी आना। ठीक है अब पकड़ ले ये देख दरवाजे पीट रहे हो देखो बड़े के गले। सो गाइस अब हो चुकी है शाम, रेस्टोरेशन में खा रहे हैं।
पक्का। देखो भाई क्या नजारा है, क्या मस्त नजारा है। हैवी ड्राइवर क्या कर दिया ये? तो भाई अभी हम निकल चुके हैं भाई घर के लिए। अब सीधे घर रुकेंगे भाई अपनी गाड़ी। बाबा कितना एक्साइटेड हो गया मैं देख के। अबे चल है पोगो को भाई यहीं छोड़ दिया था हमने। पोगो कितना एक्साइटेड हो गया मैं देख के। हम घर पे आए, आई वागी आई, कितना एक्साइटेड हो गया पोगो। आई पोगो मेरे पास गया। देखो कैसे लेट रहा हूँ। देखो एक्साइटेड कितना, देखो कितना एक्साइटेड हो गया। हाँ अब इसका चिकन लेगा भाई। तो वो रहा है क्या बोलना सर? पकड़ना है अंडा बड़ा वो दोबारा वो मेरे सुनना। शांति कर लो, शांति मेरे सुनने। शांति कर लो, आ जा बेटी, आ जा, आ जा लोगी, आ जा, आ जा बच्चा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मैं वो अपने सिंगा से बेटी आई, थोड़ा शांति ले, यानी पोगो शांत हो, शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो। बेचारा सुबह से अकेला बैठा। क्या टाइम हुआ मम्मी? 7:30 घंटे से अकेला है। आज सोच रहा हूँ सारे गए कहाँ, एक भी नहीं दिख रहा है। मेरे बच्चों को पहली बार छोड़ के गए मैं ऐसा मम्मी इतनी देर के लिए। चल चल निकल चल। तो भाई दोनों तरफ स्टैंड ले पेट में यार। तो भाई दो चार दिन बाद मैं अपना ऑपरेशन, दो चार दिन बाद भाई मैं ऑपरेशन भी कराऊंगा, क्योंकि मेरे पेट में स्टैंड ले हुए तो निकालना काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यूरिन में ना ब्लड आ रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर मी। अब तो नहीं हो रहा, सॉरी, जोर से लग गया। इट्स ओके, बाय, टाटा।